ladies and gentlemen, of course, the show is called Mumkin Hi Sab Kuch Hai. आज अभी दो ब्रेक्स पहले जो आपने देखा है उसी से मैंने शो शुरू किया था और अब पूरा भंगड़ा शंगड़ा हंगामा ट्रूली अ बैंड दैट इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड. इनके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा 10 साल पहले इन लोगों ने शुरू किया था, मीनिंग इन्होंने फॉर्म किया बैंड. अब तीसरा एल्बम इनका आने वाला है और आज पहली मरतबा एक्सक्लूसिवली वो यहाँ पर अपने तीसरे एल्बम का गाना परफॉर्म करेंगे हमारे लिए. इससे पहले मैं उनको बुलाऊँ, प्लीज फर्स्ट वॉच दिस. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the wonderful Fuchsia. अभी जब हम लोग ऊपर बात कर रहे थे ना तो ये मुझे बहुत तड़ियां दे रहे थे, ये जो आपके इमू साहब हैं, ये कहने लगे आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है. क्या होगा क्या आज मुझे बताओ सही. शालिम थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट टाइम. सीरियसली थैंक यू वेरी मच. एंड ऑफ कोर्स रमीज थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. पहली मर्तबा यू गाइस आर प्लानिंग टू हैव अ 16 पीस ऑर्केस्ट्रा. जी 60 पीस. 60 हम पिछले कोई 5-6 साल से अपने अपने खत्ते में भी एज एन सब कॉन्टिनेंट में अमेरिका में काफ़ी परफॉर्मेंसेस किए हैं, लेकिन नॉर्वे में स्कैंडिनेविया में खास तौर पे हमने बड़ी क्रॉसओवर कोलैबोरेशंस किए हैं वहाँ के म्यूजिशियंस के साथ. अच्छा, तो अब एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप बन चुकी है. तो व्हेनेवर देयर इज समथिंग बिग हैपनिंग देयर तो इट्स वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो हमेशा पाकिस्तान से हमें बुलाते हैं अपने साथ कोलैबोरेशन करने. अच्छा, लेकिन आई वांट टू नो, कभी आप लोग आपस में फड्डा शड्डा होता है, लड़ाई शड़ाई होती है? होती है बिल्कुल. कौन ज्यादा इमू लड़ता होगा? और तो कोई नहीं, असल में तो गर्म मिजाज का सिर्फ एक ही आदमी है. और कौन लड़ता है, कोई और लड़ता है? छोटे मोटे इश्यूज होते हैं फिर हम रिजॉल्व कर लेते हैं बैठ के आपस में, वो तो चलता रहता है. इतने साल से साथ काम कर रहे हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली उसमें होता ही है, उसमें होता ही, उसमें होता है. रमीज तो आई डोंट थिंक रमीज लड़ता होगा. रमीज तो नहीं, कभी कभार हो जाता है. या किन बातों पे कभी किसी लड़की पे तुम लोगों का इख्तलाफ हुआ? नहीं ऐसा नहीं. अरे यार कम ऑन, तुम लोग रॉक स्टार्स हो, डेफिनेटली कॉन्सर्ट्स के अंदर होता है ना. इत्तेफाक ही हुआ, इख्तलाफ नहीं हुआ. इत्तेफाक हुआ, इख्तलाफ कभी नहीं हुआ. अच्छा, टेल मी, जब कॉन्सर्ट्स के अंदर जाते हो एंड वुमेन आर जस्ट आफ्टर यू गाइस, यू नो इट कम्स विद द पैकेज ना, वो तो टेरिटरी के अंदर. बट तो कैसा फील, कैसा होता, हाउ यू गाइस फील? को खुद अंदाज़ा होगा कि जितनी आप एफर्ट करते हैं, जितना भी आप टाइम अपने शौक को देते हैं, उसके बाद से जब लोग उसको सराहते हैं, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट. बड़ी अच्छा, मुझे बताओ अभी तुम लोग साथ कौन सा गाना करोगे? अभी गाने से शुरू करते हैं, देन बातें तो बहुत सारी. गाना कौन सा? हम एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं. ओके, नुसरत फतेह अली खान साहब. वाह, नुसरत फतेह अली खान साहब. एक एल्बम हम बना रहे हैं जिसके अंदर ना सिर्फ नुसरत अली खान बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी पुराने सिंगर्स हैं जिनको सब ने सुना हुआ है, जो गाने हमें पसंद है उसको रीडू कर रहे हैं अपने स्टाइल में, जिससे हम करते आ रहे हैं. तो हम कर सकते हैं? बिल्कुल जी, उसके उसी का एक. Here we go. रवा वाला चरखा ते द
दुखां दिया पुड़िया हाय मैं जोगी जमा निहोर पया दूरिया किते सगड़ी तेरे बुड़िया के बुड़े चिंगा मेरे दिल विचों उठ दिए वो मेरे दिल विचों उठ दिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा इसी पे। शालिम तुमने कहीं नहीं जाना है, तुमने यहीं पे रहना है। छोटा सा ब्रेक, इसके बाद मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, वो गाना 1 2 3 विल बी राइट बैक। जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, जब भी चाहे जी, आई एम विद फ्यूजन एंड लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है जब फ्यूजन सामने हो, अकॉस इमू सामने हो, सालिम सामने हो, रमीज सामने हो, और इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँ कि यार प्लीज़ गा दे। मुझे गाना बहुत पसंद है मेडिसन साहब का, कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ तो। हाँ प्लीज प्लीज़ 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 अगर हो जाए। जब भी चाहे एक नई सूरत, हाँ जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, दैट्स नाइस। इमू तुम्हारे लिए कह रहा है ठीक है, मैं चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग सच्ची में। जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, जब भी चाहे एक नई
सजा लेते हैं लो जब जरूरत नहीं सूरत बना लेते हैं लो। ये आपके लिए। तुम लोगों ने क्या बोला, तुम लोग ऐसे पोज करो जैसे तुम लोग आपस में कभी मिलते नहीं हो। नहीं, बहुत मिलते हैं लेकिन इस तरह